नमस्कार, मैं केशव कुमार, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज मौजूद हूँ परवत्ता नगर पंचायत में खास बातचीत करने के लिए। चेयरमैन उम्मीदवार हैं, क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी। किस पोस्ट से खड़े हैं? चेयरमैन पोस्ट। क्या सिंबल है? सिंबल सिलेंडर। कितने नंबर में है? 17 नंबर। आपका मुख्य एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? आप पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी लड़े थे? जी, पहली बार लड़ रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दा पे आप आए हैं समाज में वोट मांगने और क्यों आए हैं? मेरा मुद्दा यही है कि शिक्षा के ऊपर विकास हो, महिलाओं को रोजगार वगैरह जो है वो मिले, और रास्ता में जो है जल जमा हुआ रहता है, पानी जमा हुआ रहता है, गड्ढा है, डेंगू मलेरिया फैलता है। साफ सफाई अभियान जो है इस पर ज़्यादा ध्यान देने का कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है जनता इसी मुद्दा पे आपको वोट देंगे? जनता जानती है कि सही आदमी को वोट देंगे तो हमारा जो है विकास होगा, इनको हमारे लिए कुछ करेंगे। परवत्ता में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसी समस्या के ऊपर हम लोग सुधार करना चाहते हैं। कैसे सुधार करेंगे? जो भी व्यवस्था होगी, जो भी कर सकेंगे सरकारी योजना के तहत वो करेंगे। कौन है इनका? मैं इनका पति हूँ, मनोज कुमार शास्त्री, मेरा नाम हुआ। आप कैसे देख रहे हैं चुनावी माहौल को? चुनावी माहौल जनता बदलाव चाहती है। परवत्ता नगर पंचायत पहली बार यहाँ पर नया पंचायत बना है। यहाँ की जनता का मांग है कि जो भी चेयरमैन के पद पर, मुख्य पार्षद के पद पर, मैं उनको वोट दूँ जो बिना डर भय कि किसी दबाव के कारण जो है परवत्ता का विकास हो, मार्केट का विकास हो, जो कि मेन मुद्दा भी जाम की समस्या है, सब्जी मार्केट समस्या है। हमारे पत्रकार महोदय जो स्टोर यहाँ बना है, इधर बना हुआ है, लेकिन जो है सिर्फ पेपर में ही रह जाता है। मैं इस पर विशेष काम करूँगा और परवत्ता में जो विशेष विकास है, वृद्धा पेंशन हुआ और ये जो भी समस्या औरत की होती है, शिक्षा के ऊपर जो है, काम रोजगार के ऊपर हुआ, ये सब जो है घर घर जो है सब महिलाओं को रोजगार मिले, गली गली में कैसे दे सकते? रोजगार जो सरकारी फंड आएगी, जो भी सरकारी फंड आएगी उसके ऊपर महिलाओं के लिए कुछ निकाला जाएगा योजना, उसके तहत सबका मैंने विकास होगा। आप परवत्ता नगर पंचायत में घूम रहे हैं तो जनता क्या समस्या सुना रही है और इसको आप कैसे निदान करिएगा? जनता समस्या यही सुना रही है, जैसे कि इंदिरा आवास हुआ, उस समस्या के ऊपर जो है इंदिरा आवास मिलना चाहिए, घर बनाने के लिए जो है जो भी मैंने जरूरत की चीज़ें वो सब मिलना चाहिए, यही सब सुना रही है। शिक्षा के ऊपर बता रही है महिला लोग, गली गली में रास्ता जो है नहीं बना है, कचरा है, आने जाने में असुविधा होता है, पूरा मतलब रास्ता मैंने है ही नहीं, हर जगह गंदगी। जनता के ऊपर क्या म्याज बना है और किनको चुन रहे हैं? जनता हमको समर्थन दे रही है। जनता समर्थन तो दे ही रही है, जनता चाह रही है कि इस बार जो है सही उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, जो हम लोग के लिए, हमारे हित के लिए कुछ कर सके।